नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि लहसुन की जो फसल है वो एक हाई वैल्यू फसल है और इसकी पैदावार अच्छी हो इसके लिए हम इसमें काफ़ी खर्चा भी करते हैं लेकिन किसान साथियों कुछ ऐसी घरेलू चीज़ों और जैविक तरीक़ों का भी प्रयोग करके हम अपनी फसल के उत्पादन लागत में कमी कर सकते हैं उत्पादन लागत जितनी कम आएगी उससे उतना ही हमें फ़ायदा होगा किसान साथियों पिछले एक दो वीडियो में मैंने आपको थिप्स कंट्रोल करने के बारे में घरेलू और जैविक उपाय बताए थे और आज ही इसी कड़ी में किसान साथियों में फंगिसाइड प्लस पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए ऐसा ही घरेलू और जैविक तरीका बता रहा हूँ बिना किसी नुकसान के आपको फ्री में ये प्रोडक्ट उपलब्ध होता है आपके घर में और वो है किसान साथियों लकड़ी की राख सर्दियों में तो चूल्हा चलता ही है किसानों के घर पर और वहाँ पे एक वेस्ट पदार्थ बनता है राख जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यो ये मैं अभी अपने खेत में प्रयोग करने के लिए ही लाया हूँ क्योंकि राख के बारे में तो आपने सुना होगा बाबा रामदेव जो पंथजली आयुर्वेदिक संस्था है उनके यहाँ भी ऑनलाइन ये प्रोडक्ट बिक रहा है बर्तन साफ करने के लिए क्योंकि हमारे किसान भाई आज भी बहुत सारे घर पे जो बर्तन साफ करते हैं वो राख के द्वारा ही करते हैं लेकिन आधुनिक युग में डिश बाहर आ गया है जो साबुन के जैसा होता है और उससे बर्तन साफ करते हैं इस लकड़ी की राख में किसान साथियों बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं ये कीटनाशक का काम भी करता है साथ ही साथ फंगस को भी खत्म करता है यदि आप इसे अपने खेत में भुरकाव करते हैं तो दोनों तीनों प्रकार के लाभ आपको अपनी फसल में देखने को मिलते हैं ये इस डिपेंड इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कितनी मात्रा में हैं तो ये किस लकड़ी की राख है जिस रक्षा की लकड़ी की राख होगी उसके सारे गुण इसमें भी मौजूद होंगे तो इस हिसाब से यदि आप इस प्रीपी साइड का प्रयोग करेंगे कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें जो मुख्य पोषक तत्व हैं ओटास वगैरह वो भी मिलेंगे और माइक्रोन्यूट्रेंट पोषक तत्व भी आपको मिलेंगे यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते किसान साथियों और आपको विश्वास नहीं है तो आप एक दो कैरी में करके ही इसको प्रैक्टिकल करके देखें और फिर आप इसका रिजल्ट देखें आपको अच्छा लगे तो फिर पूरे खेत में आप इसको यूज़ करेंसर ना करें किसान साथियों ये सुझाया गया उपाय हमारे एक यद किसान द्वारा है जब वो प्याज की क्यारी लगाते थे, थे और प्याज के खेत में जिसे हम जुलसा रोग बोलते हैं तो अपनी मालवी भाषा में उसे बांडी रोग बोलते हैं कि पत्तियाँ ऊपर से सूखती हुई नीचे की चल चली जाती हैं और पूरा का पूरा पौधा खत्म होने के में रहता है तब उन किसान भाइयों ने बताया कि इस पर कुछ दवाई की छिड़काव की जरूरत नहीं है चूल्हे की राख उड़ा दो आपके पास की ये बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी तब से हम जब प्याज की खेती करते हैं या जब ये लहसुन की खेती करते हैं तो दो से तीन बार इसका प्रयोग जरूर करते हैं जो पौधों पर चिपक जाता है वो फंगी साइड का, का काम करता है जो पौधों से नीचे गिर जाता है वो खाद का, का काम करता है ये राख तो आप भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि चूल्हे की राख में कौन कौन से बहुत शिक्कत हैं और इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रैक्टिकल करके किसान साथियों जरूर बताइएगा और यदि आपने प्रैक्टिकल किया है तो इसका अनुभव आपका कैसा रहा है ये भी बताइएगा ताकि अन्य किसान भाइयों को भी लाभ हो तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतनी जानकारी अब शुरू करता हूँ मैं भी इसको भुरकाव करना फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जे जवान जय किसान